फिरोजाबाद के मखनपुर नगर पंचायत ऑफिस परिसर की बाउंड्री की एक दीवार बरसात में गिर गई। इस पर नगर पंचायत के एक सभासद का कहना है कि दीवार तो CNDS कंपनी द्वारा सही तरीके से बनाई गई थी, लेकिन पड़ोसी ने लगभग 5 फीट का गैप दे दिया। पानी भरने की वजह से नगर पंचायत की दीवार ढह गई है। महुआ में शादी के 3 महीने बाद नवविवाहित जोड़े की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में मातम पसरा है। नव दंपत्ति शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसे देखकर हर कोई सदमे में है। बता दें, कर्ज से परेशान पति ने खुदकुशी की, जबकि पत्नी को उसी रात जहरीले सांप ने डस लिया। विवाह के 3 महीने बाद हृदय विदारक की घटना जिसने भी सुनी वो हैरत में पड़ गया। वाराणसी में फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम थाना ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में फर्जी कूटरचित कागजात, मोबाइल, नकदी बरामद किए। कन्नौज में बेटी की बीमारी से उबकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सहरी के जमाली नगला गांव में बेटी को मारने वाली मां को उसके दूसरे पति के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी मां ने बताया कि बेटे की बीमारी से वो परेशान थी, जिसकी वजह से उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी पुलिस को महिला के पहले पति ने दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुई अधिवक्ता के मर्डर को लेकर कानपुर के अधिवक्ताओं ने कानपुर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता सुरक्षा मांग को लागू करने की मांग की है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो अधिवक्ता अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तेज हवाओं के साथ बारिश होने शुरू हो गई। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई दिनों से उमस भरी गर्मी कासगंज में पड़ रही थी, लोगों ने बारिश में के पानी में नहाकर आनंद लिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व सांसद राघवेंद्र मिश्रा ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर अपर श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचकर श्रमिक बस्ती छूटर सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को लेकर एक पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। फिरोजाबाद में बेसमेंट में चलती मिली कोचिंग पर प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान कुछ कोचिंग संचालकों ने समय से पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी। अधिकारियों ने सभी संचालकों से उनके प्रपत्र जमा करने और दिखाने के लिए समय दिया है। यदि अधिकारी कागजों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो बड़े स्तर पर कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बरेली सेंथल आजाद नौरंग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य कक्षा 9 के छात्र फरमान अली को सिर्फ इस बात से स्कूल लाने की धमकी दे रहे हैं कि उसने प्रधानाचार्य कहने पर दाढ़ी नहीं कटाई। प्रधानाचार्य का कहना है कि ये मदरसा नहीं है, इंटर कॉलेज है, शासन का आदेश है, चाहे किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो मगर दाढ़ी रखकर स्कूल में नहीं आएगा। ये कहकर प्रधानाचार्य ने कक्षा 9 के बच्चे को प्रताड़ित कर स्कूल से बाहर निकाल दिया। पीलीभीत में डीएम कार्यालय के गेट के सामने शिकायत करने पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में जहरीला पदार्थ गटक लिया। बैंक से बकाया लोन को लेकर महिला परेशान थी, जिसकी वो शिकायत करने डीएम कार्यालय पहुंची थी। बता दें, घटना के दौरान एडीएम, एसडीएम सहित 2 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। हरदोई पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगलराज कायम है। उन्होंने कहा कि जगह जगह घटनाएं हो रही हैं। हरदोई के दोनों मामलों में SIT जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में ऑटो ने बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवार कांवड़ियों सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। उन्नाव के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मैजिक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मैजिक सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं बाइक से जा रहे 2 युवक पिकअप की चपेट में आकर घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 दिन की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर हेलेट अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दिल्ली हादसे के बाद उन्नाव में भी पुलिस प्रशासन एक्शन में है। शहर के मॉल, हॉस्पिटल, होटल, बैंक व कोचिंग संस्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान भवनों में खामियां मिले, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर DM को दी जाएगी। जांच टीम में नायब तहसीलदार पीयूष भार्गव, फायर SHO और कोतवाली प्रभारी मौजूद रहे। संभल में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें सवार एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 18 लोगों के घायल होने की सूचना है। बता दें, राजघाट गंगा के अंत्योष्टि से लोग शामिल होकर ट्रैक्टर ट्राली में आ रहे थे। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है।